सलाम दोस्तों, कैसे? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इलेक्ट्रॉन स्पिन एनिमेशन पावर में बनाएंगे, तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि नए आने वाले दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज के लेसन को। स्केप प्रेस करता हूँ, कंट्रोल एन से न्यू स्लाइड ओपन करता हूँ। कंट्रोल ए से बाई डिफ़ॉल्ट इसको मूव कर लेते हैं। इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से हम एक शेप ड्रा करते हैं सर्कल की। सर्कल ड्रा करेंगे, सेंटर में कन्वर्ट करने के बाद हम एक बार फिर अलाइन सेंटर एंड मिडल। फिल शेप में जाएंगे, नो फिल, आउटलाइन में जाएंगे और इसकी 4.5 विड्थ करेंगे और इसका कलर हम कर देंगे रेड। रेड कलर करने के बाद एक छोटा सा सर्कल ड्रा करेंगे। फॉर्मेट में जाएंगे, आउटलाइन में नो आउटलाइन करेंगे और साथ में इसको इफेक्ट देंगे प्री सेट में जाके, वो शेप फिल करेंगे इसे हम येलो की। कैमरे में ड्रा करेंगे, कंट्रोल ए और कंट्रोल जी की मदद से ग्रुप करेंगे। कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट स्लेट ऐड करेंगे। डुप्लीकेट स्लेट के एज इट इज इसके ऊपर करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे साइज एंड पोजीशन पे। साइज एंड पोजीशन पे जाकर रोटेट पे जाएंगे, हम यहाँ करेंगे 45% रोटेट कर देंगे। फिर एक सर्कल ड्रा करेंगे, सॉरी डुप्लीकेट बनाएंगे कंट्रोल डी से। इसकी पोजीशन भी वही लेंगे। फिर हम जाएंगे पोजीशन पे और नेक्स्ट हम करेंगे 125 डिग्री पे हम इसे क्या करेंगे, रोटेट करेंगे। ये हमारा रोटेशन कंप्लीट हो चुका है। ये जो सर्कल था, कंट्रोल ए करके कंट्रोल अन सबको अनग्रुप करेंगे। अनग्रुप हो गया, यहाँ से जो सर्कल था, सॉरी, इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे। हमारा डिज़ाइन फेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम एनिमेशन पैनल पर जाएंगे। एनिमेशन पैनल पर जाने से पहले हम इसकी कलरिंग स्कीम को चेंज करेंगे। फर्स्ट वाली रेड है रो, सेकंड रो को हम येलो करेंगे और थर्ड वाली को हम लाइट ब्लू करेंगे। इसी तरह हम इनके जो सर्कल हैं ऊपर स्मॉल, उसकी स्कीम को चेंज करेंगे। येलो वाले सर्कल पे जो हमारे पास सर्कल है, इसकी फिल शेप में रेड कर देंगे और रेड वाले पे हम क्या करेंगे, लाइट ब्लू कर देंगे। इस तरह हमारे पास डिज़ाइनिंग फेज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और बैकग्राउंड के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे स्लाइड की और यहाँ पे हम इसे ब्लैक फिल कर देंगे। अब हम एनिमेशन पैनल पे जाएंगे। एनिमेशन पैनल पे जाके स्मॉल सर्कल को सेलेक्ट करने के बाद एनिमेशन पे जाके ऐड एनिमेशन करेंगे और हम क्या करेंगे, सर्कल शेप एनिमेशन कर देंगे। शेप एनिमेशन जो रोटेट सर्कल में रोटेट करता है, हम इसे करेंगे ड्रा करेंगे फर्स्ट कॉर्नर पे और यहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक बॉर्डर के साथ टच कर देंगे। एक एनिमेशन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे पे जाएंगे, फॉर्मर पे जाएंगे, ऐड एनिमेशन पे जाएंगे, सॉरी एनिमेशन पैनल में ऐड एनिमेशन और शेप करेंगे। ये हमारे पास सेकंड है और इसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी थर्ड एनिमेशन। इसे रोटेट करेंगे, ये हमारी कंप्लीट होने वाली है। येलो भी कंप्लीट हो गया।
ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि ये रोटेट वाली साइड है। ये हमारे पास येलो भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाएंगे रेड पे, लास्ट वाले पे, एनिमेशन पे जाएंगे, एड एनिमेशन करेंगे और इसकी जो सेटिंग है मैं वो पॉज कर 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 लूँगा ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। ये मेरे एनिमेशन कंप्लीट हो गए हैं, एनिमेशन पे जाते हैं, एनिमेशन पैनल पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे और यहाँ से हम इसकी टाइमिंग चेंज करेंगे स्टार्ट विद प्रीवियस और फर्स्ट के बाद हम सेकंड वाले पे क्या करेंगे जाके थोड़ा सा डिले टाइम इंक्रीज करते जाएंगे। ठीक है 0.5 और उसके बाद करेंगे हम 1। ठीक हो गया, फिर सिलेक्ट ऑल करेंगे, इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ से हमारे पास टाइमिंग है, टाइमिंग में जाके हम करेंगे अनटिल स्लाइड एंड और प्रेस ओके कर देंगे, एफ प्रेस सब 5 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जो एनिमेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको आज की वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिला है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, उतने देर के लिए खुदा हाफिज़, शुक्रिया।